तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई लोग। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सो दोस्तों क्या आप लोग चाहते हैं कुछ बार सब फोटो एडिटिंग कर दी, उसने कमाल का एडिटिंग किया है फुल HD में, इतना मतलब कमाल से सेट फोटो एडिटिंग किया गया है, इतना कमाल से हाथ में PNG लगाया गया है और बैकग्राउंड में इस प्रकार का जो PNG लगाया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से दो फोटो आप लोग एक साथ कर पाएंगे एडिटिंग लाइटरूम एप्लीकेशन से। देखिए एक तो इस प्रकार से रहेगा और एक इस प्रकार से रहेगा, इसका ओरिजिनल पिक है कुछ इस प्रकार से। देने की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस फोटो को शेयर कर देंगे हम लोग स्नैपशीट एप्लीकेशन में। यहाँ शेयर करने वाले सिंपली देखिए सबसे पहले क्या करना है, जहाँ जहाँ ब्लैक की कमा व्हाइट कर लीजिएगा इस प्रकार से। अच्छा देखिए दोस्तों इतना हो चुका है, यहाँ से सेलेक्ट की जो है ना इसे यहाँ से वाइट किया जाता है सेलेक्ट कर, ठीक है। अब देखिए आ जाना है टोन इमेज टोन पर और यहाँ से एम्बिएंस को हल्का सा बढ़ा देना है और यहाँ से ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देना है और यहाँ से शैडो को हल्का सा बढ़ा देना है। बस इतना देखिए इतना कर देना है। शैडो 31 है, एम्बिएंस 21 है, ब्राइटनेस 14 है, इतना करना है डन कर। देखिए दोस्तों इतना हो चुका है, इसको सिंपली लाइटरूम से मैं शेयर कर लीजिएगा। इतना करना मतलब देखिए दोस्तों अपने जो फोटो यहाँ एड करने के बाद से सिंपली क्या कीजिएगा, एक आप लोग पीछे में लगा देखिए दोस्तों। मैं पीछे इसलिए बना देता हूँ कि आप लोग भी वीडियो फोटो एडिट करते हैं जिसमें टाइम लगे, जैसे लाइटरूम कब निपटा पाएंगे और मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी देर की वीडियो नहीं हो क्योंकि मेरी काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ से देखिए थिएटर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से कॉम्पोजिटिंग कर लेंगे, कॉम्पोजिटिंग करने के बाद बैक आ जाएंगे, ओरिजिनल पिक पा जाएंगे, यहाँ से वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों सिंपली हम लोग इस प्रकार से फोटो बन के रेडी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हो चुका है, देखिए नहीं कमाल का मतलब दिख रहा है। आप लोग थोड़ा सा वाइट करना होगा फेस को, तो लाइट पा दीजिएगा, लाइट को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा और ब्लैक को और वाइट को यहाँ से हल्का सा कम कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइट आ जाएगा क्योंकि हम इतना अच्छा है इतना कर लेंगे। और फिर से यहाँ से कलर पा करके मिक्स कलर पा करके जो ऑरेंज जो टोन है इसको यहाँ से सिचुएशन को थोड़ा सा माइनस कर देंगे तो यहाँ से थोड़ा वाइट हो जाएगा कि हम इतना अच्छा दिख रहा है, इतना ही हम लोग रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। इतना करने वाले सिंपली उसको शेयर कर देंगे स्मूथ करने के लिए। देखिए बिंदर की स्मूथ करते हैं, अब हम लोग स्मूथ करना ही बताएंगे और इस प्रकार से बैकग्राउंड बनाए थे साइड ऑफ PNG जो जो साइड PNG लगाते सब बनाए देंगे, हम लोग सब दिखाएंगे बना करके। तो सिंपली हम लोग फोटो एड हो चुका है, सिंपली ब्रश पा जाएंगे नॉर्मल सा ब्रश जो हम यूज करते हैं, इस ब्रश को यूज करेंगे, ये वाला ब्रश यूज करेंगे। सेटिंग साइज की कुछ इस प्रकार से है, देखिए यही वाला ब्रश है, आप लोग बहुत आसानी से इस ब्रश को यूज कर सकते हैं। आ जाएंगे इस बार से स्मूथ करेंगे, देखिए दोस्तों मतलब दोस्तों स्मूथ करना एक बार आप लोग सीख गए ना तो एडिटिंग मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि मेन जो होता है स्मूथ ही करना होता है। अधिकतर भाई लोग स्मूथ ही नहीं कर पाते, सही मतलब बैकग्राउंड वराउंड सब अच्छा से कर लेते हैं लेकिन स्मूथ बिगाड़ देते हैं स्मूथ करते हैं समय। देखिए दोस्तों आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे देखेंगे कंप्लीट। देखिए दोस्तों मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। देखिए मैं नहीं कहता हूँ मस्त करें, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। देखिए दोस्तों फुल वॉच करेंगे तो आप लोग ये फायदा होगा कि मैं कुछ भी बताऊँगा तब लोग सब समझ में आएगा, इधर उधर स्किप कर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, वीडियो खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग एडिटर भी कभी बन नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इतना ही कमाल का हो चुका है स्मूथ। हमने भी ज़्यादा इस पर देखिए कुछ इतना चुका है। देखिए यहाँ करना है तो आप लोग बताया हूँ ब्लैक को एक बार कर लेंगे, उसके बाद जो वाइट होता है उसको एक बार कर लेंगे। देखिए तो कुछ ही बस स्मूथ कर लेंगे, देखिए नहीं कमाल, देखिए नहीं कमाल का स्मूथ हो चुका है, ठीक है। इस बार देखिए हम लोग जो आइज है एक दो भाग में कर लेंगे स्मूथ, एक बार इसको प्लक को जो ऊपर रहता है उसको कर लेंगे, उसके बाद जो उसके ऊपर जो है उसको एक बार कर लेंगे, दोनों को एक साथ मत मार दीजिएगा तो बेकार हो जाएगा। देखिए स्मूथ हो चुका है, यहाँ भी कर लेते हैं। देखिए अब कान के बारे में देखिए कान पर एक एक भाग को यहाँ से स्मूथ करेंगे अपने ब्रश को छोटा करके, जितना हम लोग का साइज छोटा करके, जितना हम लोग का मतलब कान का जो साइज होता है इतना छोटा रहेगा उतने हिसाब से अपने ब्रश को भी छोटा करेंगे, ज़्यादा बड़ा करके मार देंगे तो बेकार हो जाएगा, कि सब जो मैक्चर हो जाएगा तो बेकार दिखेगा। देखिए कमाल दे रहा है, ठीक इस प्रकार से यहाँ बचा है इसको भी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक इस प्रकार से जितना इधर किए हैं ठीक उसी प्रकार से इधर भी हम लोग कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा हैंड कर दिखा देते हैं, चलिए नीचे साइड दिखाते हैं यहाँ करके, यहाँ पर भी भाई लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए उसकी बार इसमें हम लोग कर रहे हैं, जहाँ आप लोग मिस्टेक करते हैं वही मैं अधिकतर समझाता हूँ, उधर तो आप लोग सब स्मूथ कर ही लेंगे।
सिंपली इसको अपने निकालने से गैलरी में सेव कर लीजिएगा। सेव करना से फोटो पर ओपन करते हैं हम। देखिए इसे रहा मेरा फोटो। इस फोटो को देखिए बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, तो ब्लर करने के लिए डेटा प्ले ऑन करेंगे। ऑन करने बाद सिंपली को शेयर कर दीजिएगा फेस सेव एप्लीकेशन में। मेरा मेरा फेस सेव एप्लीकेशन में शेयर कर देता हूँ। सिंपली हम फोटो यहाँ सेव हो शेयर हो चुका है। सिंपली आ लास्ट में देखिए ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक कर देंगे यहाँ जो चाहे ब्लर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों अच्छा अच्छा ब्लर दिया है, जो चाहे यहाँ ब्लर सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा अच्छा ब्लर दिखता है। तो देखिए हम लोग दूसरा नंबर जो है DISC, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके कुछ ही बार से इसे हम लोग कर ले रहे हैं। चलिए इतना हम अच्छा दिख रहा है, इतना हम लोग ब्लर कर लेंगे। करना सप्लाई करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करवा से ओपन करते हैं फिर से गैलरी में इसको। देखिए दोस्तों मेरा फोटो, इस फोटो को सिंपली शेयर कर दीजिएगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। ये रहा मेरा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, यहाँ शेयर करेंगे। शेयर करने में सोच रहे हैं प्रोसेसिंग क्या करना है। देखिए दोस्तों हमारा फोटो ऐड हो चुका है। ऐड करने में देखिए सबसे पहला काम है हम लोग को जो फेस ऐप एप्लीकेशन का लोगो आ चुका है इसको मिटाना है। इसमें मिटाने के लिए सबसे पहले फोटो को ऐड कर लेंगे। जिस फोटो को स्मूथ किए थे उस फोटो को यहाँ ऐड कर लेंगे। देखिए इसमें फोटो स्मूथ किए थे इसको ऐड कर लेंगे, थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेंगे। यहाँ से इरेजर पकड़ के नीचे साइड में देखिए आप लोग इनवर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इनवर्ट पर क्लिक करने से हट जाता है, ऊपर जो फोटो रहता है हट जाता है। देखिए इनवर्ट कर दिए हैं, हट जाएगा। हटने के बाद देखिए इसको ड्रॉ कर देंगे ऊपर। सिंपली इसको डन कर लेंगे। चुका है इतने करना। सिंपली देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आप लोग चाहें तो मिटा भी सकते हैं उसको। ब्लर पे जाके यहाँ से एफएक्स पे आके यहाँ से ब्लर पे आ करके और यहाँ से एरर पर क्लिक करके इन्वर्ट कर देंगे फिर से, और इसको यहाँ से इस प्रकार से कर देंगे। और देखिए मिट चुका है, यहाँ से थोड़ा इसको ब्लर जो है बढ़ा देते हैं। देखिए वो हल्का हल्का दिख रहा है। सिंपली इसको काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इतना करना सीखिए। सबसे पहले काम क्या है, हम लोग को एफएक्स पे आना है, जो कपड़ा कलर है इसको चेंज कर लेना है। आप लोग चाहें तो किसी कलर कर सकते हैं, चाहें तो ओरिजिनल कलर भी रख सकते हैं, लेकिन हमने चेंज किया है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से तो हम चेंज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग का था कपड़ा, कुछ इस प्रकार से इतना करना। इधर पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से इनवर्ट कर देंगे और यहाँ सिंपली अपने कपड़े पर ड्रॉ कर लेंगे। फाइनली देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ से कपड़ा कलर भी कर चुके हैं। सिंपली डंकर मसा देंगे यहाँ से एफएक्स को फिर से, और यहाँ से आ जाएगा आर्टिक्स पर आ जाएंगे, फेटल बंदी रह क्लिक कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। करना से हल्का सा इसको हल्का सा बढ़ा देंगे कुछ, जितना पर कपड़ा अच्छा दिखे उतना कर लीजिएगा। हम इतना कुछ कर लेते हैं 73 है। करना से फिर से इन्वर्ट कर देंगे अपने कपड़े, फिर ड्रॉ कर लेंगे। सिंपली दोस्तों हम लोग कर चुके हैं, यहाँ सिंपली डन करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ भाई भाई सोचते हैं कि इससे क्या होता है। देखिए इससे कपड़ा में चमक आता है। सिंपली आ जाएंगे टूल्स पर, आ जाएंगे एडजस्ट पर, यहाँ से इसके सिचुएशन को बढ़ा देंगे इस प्रकार से। क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट को रहने देंगे हल्का सा, कंट्रास्ट रहने देंगे इतना ही, 0 कर देंगे कंट्रास्ट को। हाईलाइट है इसको हल्का सा माइनस कर देते हैं। शैड है इसको हल्का सा रहने देते हैं, शैडो को हाईलाइट साइड को रह दीजिएगा, इससे कोई अच्छा फर्क नहीं पड़ रहा है। सिंपली इसको इन्वर्ट करके अपने जो बैकग्राउंड है इसमें ड्रॉ कर दीजिएगा, केवल मतलब बैकग्राउंड पर अप्लाई कर दीजिएगा। सिंपली इसको डन कर लेंगे। देखिए काम इतना हो चुका है। हम लोग आई में जो है एक लेंस लगाए थे, लेंस को लगा लेते हैं। सिंपली आइज पर क्लिक कर देंगे यहाँ से, अपने आइज में से जितना आप लोग का आइज का साइज रहेगा उतना दोनों में सेट कर लीजिएगा इस प्रकार से। बहुत भाई लोग ऐसे होते हैं उनका पिक्सआर्ट है, उन लोगों में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, उसमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है।
मेरा मैसेज सेलेक्ट करना पड़ रहा है, कई बार नहीं होता है, कई बार होता है। डन कर डन करना वैसे सिंपली इसको छोटा छोटा कर देंगे और यहाँ से आ जाएंगे अपने आँच पर, ये वाला आइज लगा लेंगे। हम लगाए थे आइज लगाने के बाद से सिंपली इसके जो अपसेट ये हल्का सा बढ़ा देंगे, इसका जो सिचुएशन है हल्का सा प्लस कर देंगे। देखिए हम इतना किए हैं, इन्वर्ट कर देंगे यहाँ से फिर से हल्का सा हार्डनेस को हाइड में जीरो करके थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों हम लोग का काम हो चुका है, यहाँ से सिंपली यहाँ डन कर डन कर वैसे हल्का सा आइज को यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं और आइज में ड्रॉ करके रेड कलर कर लेते हैं, हार्डनेस को जीरो कर देंगे और आइज में ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करना से हार्ड अमाउंट और सिचुएशन को कम कर देंगे अपने हिसाब से, जितना आप लोग अच्छा लगे उतना रेड कलर कर लीजिए। इसमें डन कर डन करना से अब कुछ पीएनजी ऐड करेंगे, टैटू पीएनजी वगैरह है ऐड करते हैं पहले। देखिए जो सिंपली दो पीएनजी है, सबसे पीएनजी सबसे पहले इस पीएनजी पे आएंगे और इस प्रकार से लगा लेंगे। लगाने के बाद सिंपली आ जाएंगे ब्लेंडिंग पर, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से अपना जितना अच्छा लगे उतना बैठा लीजिएगा दोस्तों। मुझे चलिए इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा है। इतना करने बाद सिंपली इरेज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ जितना एक्स्ट्रा पार्ट हुआ है बाहर सबको इरेज कर लेंगे इस प्रकार से। सिंपली जैसे इसको डार्कन कर लीजिएगा, डार्कन कलर है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई किए थे, डार्कन करने पर अच्छा दिख रहा है, इतना कर लीजिए। करने के बाद सिंपली आइएगा इस पर और इसको भी फिर से क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप आने के बाद से इतना क्रॉप कर लीजिएगा, सिंपली इतना क्रॉप कर लेने के बाद से अपने हैंड पर लगा लीजिएगा जितना आपको अच्छा दिखे उतना। और लगाने के बाद इस पास से इन्वर्ट कर दीजिएगा और ड्रॉ कर दीजिएगा जितना आप लोग हैंड पर चाहिए। ड्रॉ करने वासी को मल्टी इसको भी ब्लेंडिंग पा करके मल्टीप्लाई या डार्कन, जो डार्कन अच्छा दिख रहा है डार्कन कर लेंगे और फिर इसको एक और डुप्लीकेट कर लीजिएगा। करने के बाद से सॉरी इसको यहाँ लगा लेते हैं, इसको यहाँ लगा रहिएगा और अपने इस पर लगा लीजिएगा। लगाने बस इधर पाइएगा, इन्वर्ट कर दीजिएगा, इन्वर्ट मत कीजिएगा, इन्वर्ट कर रहे हैं तो जो पहल का है आ जा रहा है, सिंपली इसको इरेज कर लीजिएगा। नकल लेने के बाद से देखिए दोस्तों काफ़ी कमाल हो चुका है, यहाँ से डन कर लेंगे। अब एक और पीएनजी यहाँ बच रहा है, उसको भी ऐड करते हैं पहले। देखिए इसके दो पीएनजी है, इस पीएनजी पर ऊपर लिख रहेगा इस प्रकार से और जितना आप लोग को अच्छा दिखे उतना बड़ा कर लीजिएगा। मुझे इतना अच्छा दिख रहा है इतना आप कर लेंगे और सिंपली जो जान जो लिखा है इसको इरेज कर देंगे इस प्रकार से, क्योंकि जो बड़ा हो गया था एक ही में सब कर दिए थे जुदाई तेरी। इसको भी यहाँ इस पर लिख रहेंगे और इस पर से हल्का सा बड़ा कर देंगे। इतना कर लेना वास्तव देखिए इतना हो चुका है, थोड़ा और नीचे कर देते हैं तो इतना अच्छा है। इतना करना वास्तव सिंपली डन कर लेंगे, फिर से ऐड करेंगे पीएनजी को, ऐड करना से यहाँ लेकर आएंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे उसके हिसाब से जितना बड़ा उठा कर लेंगे। यहाँ से करने के बाद से कर लेंगे इरेज पाएंगे और इसमें जितना बाहर इतना है इसको इरेज कर लीजिएगा, केवल जान रहने दीजिएगा, जुदाई तेरी जान ले गई। ठीक है दोस्तों, इतना करने वास्ते साइज भी एडजस्ट हो गया, डन कर लेंगे। डन करने से एक और पीएनजी ऐड करता है, ब्लिस पीएनजी पे आएगा और बैकग्राउंड पे ये ब्रांडिंग पे आकर के मल्टीप्लाई स्क्रीन कर दीजिएगा। स्क्रीन करने से इसको हल्का से बड़ा कर दीजिएगा इस प्रकार से और बीच में लगा लीजिएगा। चलिए इतना अच्छा दिख रहा है, इतना करना सिंपली इसको गैलरी में सेव कर लीजिएगा। सेव करना वास्ते देखिए दोस्तों हम लोग इसको रिमेनिंग किए हैं और इसके हेयर को है जो चेंज कर दिए हैं। देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है यही वीडियो, इसलिए हेयर चेंज करना नहीं बताया हूँ, लेकिन अगले दिन इसी फोटो का इसी प्रकार से हेयर चेंज आप लोग सामने लग रहाऊँगा और मतलब अलग रहेगा इसी में इस और दोनों की इसमें कर दूँगा तो लगभग वीडियो 45-40 मिनट की हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इसको अलग कर दिया हूँ, सिंपली इसको ओपन करेंगे लेटर नोटिफिकेशन में लास्ट ही सेप है और पक्का दोस्तों आप लोग सामने लेकर आएंगे अगले दिन इसी फोटो को इसी प्रकार से हेयर बनाएंगे। आ जाएंगे लाइट पर, शैडो को इंक्रीज कर देंगे इस प्रकार से और ब्लैक वाइट को माइनस कर देंगे और चलिए कंट्रास्ट को माइनस कर दे रहे हैं,
आ जाएंगे कलर पर, यहाँ से वेबरेंस को आ जाएंगे टेम्परेचर को अगर माइनस कर देते हैं, सिंपली आ जाएंगे मिक्स कलर पर आ जाएंगे। आने के बाद सिम लिखिए हम लोग जो है ब्लूटूथ इसको हल्का सा लिखिए, इस बार से इंक्रीज कर देंगे, पूरा फुल इंक्रीज कर देंगे। इतनी कमाल का बैकग्राउंड हो चुका है, अगर चाहें तो कुछ और कलर भी कर सकते हैं इसको, जो रहता है इसको माइनस वाइनस कर देंगे जो ग्रीन टोन है। तो देखिए ग्रीन टोन यहाँ से आ चुका है, इसको नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ब्लू टोन लेकर आना है। आ जाएंगे रेड टोन पर, इसके सिचुएशन को ही वो माइनस कर देंगे, उसी बार से लुमिनस को इंक्रीज कर देंगे। लास्ट टोन को इस बार आ जाएंगे टोन, आ जाएंगे मिक्स इफेक्ट आ जाएंगे, बिग नेट और विंड पॉइंट को इस बार से कम कर देंगे ब्लैकनेस लाने के लिए। आ जाएंगे टेक्चर को हल्का सा बढ़ा सकते हैं, टेक्चर को नहीं जो क्लैरिटी हल्का सा बढ़ा सकते हैं, सॉरी जो यहाँ से हम जो क्लैरिटी इसका कसा दीजिएगा, क्लैरिटी आने के लिए काफ़ी काम आ रहा है। बिग डिटेल्स आ जाएंगे, सर्पियन वाइड रेडिएशन कलर नो रेडिएशन को दोनों फुल करके हैं, दोनों ऑप्शन को ऑन कर देंगे। और किसी तरह फोटो इस बार से बन के रेडी हो चुका है, और किसी तरह पक्का मैं अगला दिन इसी फोटो का और ठीक इस बार से हेयर आप लोग डिजाइन लेकर आऊँगा पक्का दोस्तों।